America, who they choose as their president. It's a very important principle in foreign policy, not to involve yourself in other countries' elections. And what we will do, as I'm sure an Australian government would do, is work with whoever becomes the president. We do it in the UK on the basis that we have a very special relationship with the United States, based on cooperating over defence and security and intelligence in an incredibly close way. What I would say is that whatever relationship we're talking about, whatever... चीन के खिलाफ जाकर एशिया में पांव पसार रहा है अमेरिका, खारे पानी में बढ़ सकता है तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनुषा। जहां एक ओर अमेरिका नाटो की एशियाई संस्करण बनाने में तेजी ला दी है, इससे जुड़े देशों के साथ साथ दूसरे देशों को भी इसमें लाने का गुनागणित किया जा रहा है, वहीं चीन इसको लेकर भड़का हुआ है। चीन ने क्वाड के बाद अब ओकस गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमेरिका की आलोचना की और कहा कि वॉशिंगटन बीजिंग को दबाने के लिए नाटो का एशियाई संस्करण बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसे चीन किसी भी हाल में नहीं होने देगा, और अगर ऐसा हुआ तो कोरियाई द्वीप समेत पूरे एशिया में अशांति आना तय है। व्हाइट हाउस ओकस में कनाडा और जापान की सदस्यता में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले चुनाव से ओकस स्तंभ दो पर कुछ चीजें करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसकी फाइनल तस्वीर जल्द ही दुनिया के सामने होगी। आपको बता दें कि ओकस की स्थापना 2021 में हुई थी। समझौते के स्तंभ एक के तहत वॉशिंगटन और लंदन के कैनबरा को परमाणु संचालित पनडुब्बियों हासिल करने में मदद करने का वादा किया था, जबकि स्तंभ दो एक व्यापक प्रौद्योगिकी साझाकरण समझौता है। कनाडा और जापान के अलावा भारत, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया को संभवित स्तंभ दो सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। यानी साफ है, अमेरिका हर हाल में उन देशों को नाटो या नाटो जैसी संस्थाओं में शामिल करना चाहता है जिससे उसकी दोस्ती है। इसी का फायदा उठाकर वो जापान और कनाडा को ओकस का हिस्सा बनाना चाहता है, जिस पर चीन आपत्ति जता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की खिलाफत कर रहा है। बीजिंग ने नाटो का एशिया प्रशांत संस्करण बनाने के प्रयास के रूप में ओकस समझौते की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिंग ने पिछले साल तर्क दिया था कि यह शीत युद्ध की मानसिकता पर आधारित है, जो केवल हथियारों की दौड़ और नुकसान को प्रेरित करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अमेरिका कहां मानने वाला, उसे चीन की ओर से की जा रही खिलाफत का कोई असर नहीं पड़ता। उसे तो बस नाटो का विस्तार करना है, जिसकी चाहत पाले बैठा यूक्रेन बर्बादी की कगार पर खड़ा है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के इसी प्लान से ही रूस भड़का हुआ है। सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो देशों को धमकी दे रहा है और ओकस की भी खुलकर खिलाफत कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा कि ओकस दुनिया में कई इलाकों में परमाणु खतरे के साथ एक सैन्य रणनीतिक खतरा भी उत्पन्न करता है। ओकस को इस तरह से डिजाइन किया गया है और उस पर काम किया जा रहा है कि ये नाटो से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यानी नाटो के नाम पर दुनिया में छिड़ी जंग अब और तेज हो सकती है और भयावह हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ओकस के नाम पर जो कुछ कर रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है, जो मौजूदा जंग से और भी ज्यादा विध्वंसकारी होगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।